हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले वाले वीडियो के अंदर हमने उसकी जो डिटेल्स वगैरह थी उसके बारे में डिस्कस वगैरह किया था कि किस प्रकार से उसकी स्ट्रक्चर वगैरह पाई जाती है, ठीक है। तो आज देखेंगे मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है उसकी किस प्रकार से बनी हुई होती है, जो प्रोटीन्स और जो लिपिड्स वगैरह कंटेंट वगैरह होते हैं, जो लेयर्स वगैरह पाई जाती हैं वो किस फॉर्म के अंदर होंगी, किस प्रकार से उसका अटैचमेंट वगैरह होता है उनका, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो लिपिड्स एंड जो प्रोटीन्स कंटेंट वगैरह है, किस प्रकार से उसके अंदर अटैचमेंट वगैरह होता है, और जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं वो क्या होती है, पेरिफेरल और जो एक समाकल प्रोटीन होती है, एक परिधीय प्रोटीन्स वगैरह। जो समाकल प्रोटीन्स होती हैं वो एक मोजेक की तरह कार्य करती है, जिस प्रकार से जो फ्लूड मोजेक मॉडल के बारे में देखेंगे हम लोग, तो उस टाइम पे उसके अंदर अच्छे से क्लियरली समझ में आ पाएगा आप लोगों को किस प्रकार से ये अटैचमेंट वगैरह होता है, मोजेक की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे वो, तो ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कोशिका झिल्ली है उसकी आणविक संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कोशिका झिल्ली वगैरह है उसकी आणविक संरचना वगैरह है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस प्रकार से पाई जाती है उसके बारे में देखेंगे। तो जनरली इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह होती है उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन और लिपिड कंटेंट वगैरह पाए जाएंगे, ठीक है। जो प्रोटीन्स और लिपिड्स की लेयर्स वगैरह की लेयर वगैरह पाई जाती है, तो जिनके अंदर क्या होता है जनरली कि त्रिस्तरीय रूप के अंदर, यानी कि त्रिस्तरीय रूप के अंदर ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। जो लिपिड्स वगैरह होती है वो फॉस्फोलिपिड होती है और जो बाइलेयर के रूप के अंदर पाई जाएगी, एंड जो प्रोटीन्स वगैरह होती है उनका अटैचमेंट उसके अंदर इस प्रकार से आप लोग ये डायग्राम वगैरह है उसके शो करके इसको मैंने दिखा रखा है कि किस प्रकार से ये अटैचमेंट वगैरह होता है प्रोटीन्स वगैरह का और जो लिपिड्स वगैरह होती है उनका। इसके अंदर जनरली क्या होता है कि कोशिका झिल्ली त्रिस्तरीय होती है, यानी कि क्या होगी, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है वो त्रिस्तरीय होती है। कैसे होती है? त्रिस्तरीय होती है, जिसमें दो समांतर गहरे रंग की रेखाओं के मध्य एक एवं जो क्या होता है जनरली इसके अंदर कोशिका झिल्ली त्रिस्तरीय फॉर्म के अंदर होगी, और जिसमें दो समांतर गहरे रंग की रेखाओं के मध्य एक केंद्रीय स्वच्छ क्षेत्र दिखाई देता है। केंद्र के अंदर, मिड के अंदर क्या दिखाई देगा, एक स्वच्छ क्षेत्र दिखाई देता है इसके अंदर, ठीक है। तो यह स्तर निम्न प्रकार से उपस्थित होते हैं, जो इसके अंदर जो स्तर वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है, जो बाह्य स्तर होगा, आंतरिक स्तर होगा, मध्य स्तर होगा, तो उसके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर तीन स्तर वगैरह पाए जाते हैं, बाह्य स्तर यानी कि जो आउटर फॉर्म के अंदर होता है, एक इंटरनली होगा और एक जो सरफेस एरिया वगैरह मिड के अंदर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आउटर जो लेयर वगैरह होती है, बाह्य सघन स्तर वगैरह होता है डेंस, ठीक है, आउटर जो डेंस लेयर वगैरह, ठीक है। तो बाह्य सघन स्तर जिसको कहा जाता है, बाह्य सघन स्तर के बारे में हम देखते हैं। तो इसके अंदर जनरली क्या होता है कि यह स्तर लगभग 20 एंगस्ट्रॉम व प्रोटीन अणुओं से निर्मित होता है। क्या होता है? 20 एंगस्ट्रॉम, तो यह मोटा होगा एवं प्रोटीन अणुओं से क्या होगा, निर्मित होगा। ये अब डायग्राम के अंदर देखो, इधर इसके अंदर जनरली कि इसके अंदर क्या हो रहा है, यानी कि जस्ट ऊपर क्या है, प्रोटीन लेयर्स प्रेजेंट वगैरह है। ये क्या बोल रहा है कि इस स्तर के अंदर, आउटर जो बाह्य सघन स्तर वगैरह है, इसके अंदर 20 एंगस्ट्रॉम, तो क्या होता है, ये मोटा होता है और प्रोटीन अणुओं से क्या होगा, मिलकर बना हुआ होगा। तो इसके अंदर देखो जो प्रोटीन लेयर वगैरह है, ये ब्लैक से डॉट से सर्कल के अंदर मैंने बना रखी है, ये प्रोटीन लेयर्स वगैरह पाई जाती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन लेयर्स वगैरह प्रेजेंट है जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे, जस्ट ऊपर एंड जस्ट नीचे, ये क्या है, प्रोटीन लेयर्स वगैरह प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये क्या होती है जनरली 20 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, थिन डेलिकेट वगैरह, तो हम बात कर रहे थे जो उसकी डेफिनेशंस वगैरह थी सेल मेम्ब्रेन की, ये थिन डेलिकेट यानी कि इलास्टिक वगैरह थी, ठीक है, लचीली वगैरह थी, पतली। तो इस तरीके से ये कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है जो प्रोटीन लेयर्स वगैरह होती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इसके मिड के अंदर पाई जाएगी, फॉस्फोलिपिड वगैरह पाई जाती है। तो फॉस्फोलिपिड क्या होती है कि ये 35 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, कितनी एंगस्ट्रॉम, 35 एंगस्ट्रॉम, 35 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। फॉस्फोलिपिड क्या होती है, बाई लेयर के रूप के अंदर पाई जाएगी। कैसे पाई जाएगी, बाई लेयर, दो लेयर्स के रूप के अंदर पाई जाती है, ऊपर और जस्ट नीचे। इनके अंदर क्या होता है,
हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, जल रागी जल विरागी एंड्स वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट वगैरह होते हैं। जो हेड वाला रीजन वगैरह होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक हेड होता है। ये जस्ट जो ब्लू से डॉट से शो कर रखा है मैंने, तो ये क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक हेड वगैरह। और जो जस्ट नीचे ये टेल वाला जो ग्रीन से कलर से जो शो कर रखा है वो क्या है? हाइड्रोफोबिक टेल्स। क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड होते हैं, बाई लेयर के रूप के अंदर पाए जाएंगे। इसके जस्ट नीचे क्या होगा? प्रोटीन लेयर्स वगैरह पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? प्रोटीन लेयर्स वगैरह पाई जाती हैं। वो भी कितने? 20 एंगस्ट्रॉम मोटी होंगी, 20 एंगस्ट्रॉम मोटी ही होती है। ऊपर और जस्ट नीचे प्रोटीन लेयर्स वगैरह पाई जाती हैं जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर। और मिड वाले रीजन के अंदर क्या पाया जाता है? लिपिड कंटेंट पाया जाता है जो फॉस्फोलिपिड के रूप के अंदर रहता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा डायग्राम के थ्रू कि किस प्रकार से ये अटैचमेंट वगैरह होता है। अब थ्योरेटिकल वाले पार्ट पे आते हैं इसके कि किस प्रकार से थ्री पार्ट्स थ्री स्तरीय होता है ना, तो तीन निम्न प्रकार से जो स्तर वगैरह है उसके फर्स्ट वाला देख लिया, जो आउटर यानी कि बाह्य सघन स्तर वगैरह है उसके बारे में। नेक्स्ट है इनर जो डेंस लेयर वगैरह है, ठीक है, आंतरिक सघन स्तर क्या कहा जाता है, जिसको आंतरिक सघन स्तर के नाम से जाना जाता है, जो मिड वाले स्तर की बात हो रही है। ठीक है ना, जो इनर है, मिड वाले की नहीं, इनर की, इनर जो आंतरिक सघन स्तर वगैरह है उसकी। यह भी क्या है? 20 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, प्रोटीन अणुओं से निर्मित होता है, बना हुआ होता है। ये वाले रीजन की बात होगी जो आउटर सरफेस वगैरह पे है, ठीक है, आउटर एंड जो इनर पे है, इनर सरफेस वगैरह पे। तो ये क्या है? जो बाह्य सघन स्तर और आंतरिक सघन स्तर के बारे में बात होगी। अब मिड वाले स्ट्रक्चर की हम बात करें, जो मिड के अंदर क्या पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड पाई जाती है, लिपिड लेयर्स वगैरह पाई जाती हैं इसके अंदर, बाई लेयर के रूप के अंदर। तो ये क्या होता है? जनरली मध्य स्तर होता है मिड वाला स्ट्रक्चर वगैरह। इसके अंदर क्या होगा? यह 35 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितना? 35 एंगस्ट्रॉम की होती है ये फॉस्फोलिपिड वगैरह जो होगी। ठीक है, यह बाह्य व आंतरिक प्रोटीन से बने स्तरों के मध्य उपस्थित होते हैं। ये क्या होते हैं? बाह्य एवं आंतरिक जो प्रोटीन स्तर वगैरह होते हैं, लेयर्स वगैरह होती हैं, ठीक है, आउटर जो इनर लेयर्स वगैरह, तो उनके मध्य के अंदर बीच के अंदर पाए जाते हैं एवं लिपिड से बने हुए होते हैं। किससे मिलकर बने हुए होंगे? लिपिड से, जो फॉस्फोलिपिड कहलाती है। केंद्रीय स्वच्छ क्षेत्र दोनों लिपिड स्तरों के जल विरागी यानी कि हाइड्रोफोबिक, जल विरागी को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं? इनके टेल्स वाले पार्ट वगैरह, ठीक है ना, टेल्स वाले पार्ट क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। और जो इनके तथा यानी कि केंद्रीय स्वच्छ क्षेत्र दोनों लिपिड स्तरों के जल विरागी हाइड्रोफोबिक भाग तथा गहरे रेखाओं वाले क्षेत्र जल विरागी, यानी कि गहरी जो रेखा वगैरह है वो वाले क्षेत्र कौन से हैं? जो डार्क से कलर से शो कर रखा है मैंने ब्लू से, वो क्या होते हैं? जलरागी सिरा। जलरागी सिरा कौन सा होता है? वो होता है हाइड्रोफिलिक हेड वगैरह होता है। हाइड्रोफिलिक एंड्स वगैरह होते हैं जो कौन सा रीजन होता है? हेड वाला रीजन वगैरह होता है। ठीक है, तो निरूपित करती है, तो ये क्या करते हैं? निरूपित वगैरह करेंगे इसके अंदर, जो ये मिड वाली स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो लेयर्स वगैरह के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट वगैरह है। तो यहां तक हमारी बात हो गई जो मिडिल लेयर वगैरह है। इसके आगे और देखते हैं, जो मिड लेयर वगैरह है उसी के बारे के अंदर देखते हैं। जो मिड वाली स्ट्रक्चर वगैरह है उसके अंदर जनरली क्या होगा कि जो फॉस्फोलिपिड वगैरह है वो तो प्रेजेंट, यानी कि फॉस्फोलिपिड के रूप के अंदर जो लिपिड्स वगैरह है वो प्रेजेंट वगैरह होगी बायलेयर के रूप के अंदर। तो इसके अंदर जनरली जो कोशिका झिल्ली वगैरह होती है उसकी आणविक स्ट्रक्चर, जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर वगैरह होती है उसकी, ठीक है, कोशिका झिल्ली की आणविक स्ट्रक्चर यानी कि संरचना का एक महत्वपूर्ण जो लक्षण वगैरह होता है वह यह होता है कि इसमें उपस्थित अणु यानी कि जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? स्थिर वगैरह नहीं होते हैं, बल्कि यह मुक्त रूप से गति करते हैं। जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे वो क्या करते हैं? मुक्त रूप से गति करते हैं, गमन करते हैं। इसी गुण के कारण जो ये गुण वगैरह है प्रेजेंट है इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन में, तो इसी गुण के कारण कोशिका द्रव यानी कि जो साइटोप्लाज्म वगैरह होता है के खुले भागों में, उसके अंदर यानी कि खुले भागों में एक कोशिका झिल्ली से दूसरी कोशिका झिल्ली में संयोजन होने व कोशिका झिल्ली के टूटने पर पुनः निर्माण होता है। ठीक है,
तो क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर जनरली क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह होती है उसकी मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर वगैरह होगी उसके अंदर जनरली क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट करेक्टर वगैरह प्रेजेंट वगैरह होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो वो क्या होगा, उसके अंदर उपस्थिति के कारण ये मुक्त रूप से क्या करते हैं, मूविंग करते हैं, गति करते हैं, गमन करते हैं, ठीक है। तो इस जिस गुण के कारण कि इनके अंदर क्या होता है, जो कोशिका जो साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, कोशिका द्रव्य जिसको कहा जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो खुले भाग वगैरह है, ओपन एरियाज वगैरह, ठीक है, खुले भागों के अंदर क्या होता है, कोशिका एक जो कोशिका झिल्ली वगैरह होती है वो एक स्तर से दूसरे स्तर के अंदर क्या होता है, उनका जो कोशिका झिल्ली से यानी कि जो उनके भाग वगैरह है, तो एक कोशिका झिल्ली से दूसरी कोशिका जो झिल्ली वगैरह सेल मेम्ब्रेन वगैरह है उसके अंदर जनरली क्या होगा, उनका संयोजन वगैरह, और जो सेल वगैरह है कोशिका झिल्ली वगैरह उनके ब्रेकडाउन यानी कि टूटने पर क्या होता है, पुनर्निर्मित होती है, यानी कि दोबारा से फॉर्मेशन हो जाएगा उसका, ठीक है। तो आई होप ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वगैरह थी उसके बारे में हमने डिस्कस वगैरह कर लिया, तो आप लोगों को सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो उनके जो सिद्धांत वगैरह दिए गए थे, जैसे स्लाइडेन और स्वान ने सिद्धांत वगैरह थ्योरी वगैरह दी थी, जो फ्लूड मोजेक मॉडल वगैरह है, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सैंडविच थ्योरी वगैरह है, तो जो भी सिद्धांत वगैरह जो मॉडल्स वगैरह हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।